हेलो फ्रेंड्स, सुरीन सॉलिड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूजा सुरीन और मैं आपके पास लेकर आती हूँ नए नए घर के डिज़ाइंस, जो आपको हेल्प करता है आपका नया घर बनवाने में और बना होता है बिल्कुल ही कम स्पेस पे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मेरा चैनल पहले से देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दें। स्क्रीन पर ये जो घर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 25x34 फीट में बना हुआ है। 3 कमरों का यह घर है और काफ़ी खूबसूरती से वास्तु के अनुसार बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में आपको डाइनिंग एरिया और ये आपको देखने को मिलता है स्टेयर, जो कि है 11x8x6 फीट में बना हुआ। काफ़ी बड़ा सा डाइनिंग एरिया है इसका और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 3 कमरे। तो ये जो डाइनिंग एरिया है उसकी लेंथ जो है आपकी 12x8x12x9 देखने को मिलती है। स्टेयर्स बाहर की तरफ है और ये मेन गेट है। मेन गेट जो है आपका वो नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद आप देखने को मिलेगा आपको किचन और ये है पासेज। यहाँ से यहाँ आपको 5 फीट का पासेज देखने को मिलता है, जो कि किचन और पहले वाले बेडरूम के बीच में है। तो पहले वाले बेडरूम का 10x6x9x7 लेंथ और ब्रेथ है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये जो आप यूटिलिटी एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको बाथरूम के जस्ट बाहर में, जो कि है 8x4x6 का। ये बाथरूम है आपका कॉमन बाथरूम, एक ही बाथरूम है यहाँ। 7x6x4x6 का बाथरूम देखने को आपको यहाँ मिलता है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा किचन। तो जो किचन है उसकी भी लंबाई और चौड़ाई हम आपको बता दे रहे हैं। और ये 2 कमरे, ये 2 कमरे हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज के इसके कमरे हैं। तो 3 कमरों का घर हमने पहले ही आपको बता रखा है। 3 कमरे हैं, 1 बाथरूम और 1 किचन है। कमरा 11x5x11x11 का है और दूसरा कमरा जो है वो 11x11 का आपको देखने को मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये प्लान हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।